नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल में उत्तराखंड जी के सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं। उसी क्रम में हमारी एक नई वीडियो फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी को गढ़केसरी नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपनामों से क्वेश्चन बनते हैं। तो गढ़केसरी नाम से किसे जाना जाता है? गुमानी पंत को, बद्रीदत्त पांडे को, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को, इंद्रमणि बर्दोनी को। तो बच्चों, गढ़केसरी नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? चित्रकला से, साहित्य से, सेना से, विज्ञान से। तो बच्चों, रणवीर सिंह का संबंध किससे है? चित्रकला से। ऑप्शन ए इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस महिला को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बच्चों, कौन है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है इसके, हंसा मनराल, शालिनी शाह, ऋतु उपाध्याय, निहारिका सिंह। तो बच्चों, किसे मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो ऑप्शन है इसका राइट ए, तो हंसा मनराल को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? स्वामी राम तीर्थ ने, स्वामी सहजानंद ने, पंडित राम शर्मा ने, ऑप्शन डी विवेकानंद ने। तो बच्चों, शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? शांति कुंज की स्थापना की थी पंडित श्रीराम शर्मा ने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन है हमारा, कवि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 में कौन सी रचना थी उनकी? वीणा, पल्लव, युगांत या चितंबरा। तो बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किससे की, कौन सी रचना के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिदंबरा के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? विश्व मानव, वृक्ष मानव, राज्य मानव, उत्तर मानव। तो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? राइट आंसर है इसका आंसर बी, वृक्ष मानव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन है लोकायतन, वीणा, चिदंबरा, पल्लव। तो बच्चों, राइट आंसर है इसका
आंसर सी चिदंबरा। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इससे पहले भी ये क्वेश्चन जो था सन के साथ पूछा गया था और ये क्वेश्चन अभी जो है घुमा के पूछ दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें रचना का नाम पूछा है, वहाँ सन के साथ रचना पूछा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तारादत्त गैरोला कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारादत्त गैरोला ऑप्शन ए गायक थे, चित्रकार थे, कवि थे, अधिवक्ता थे। तो तारादत्त गैरोला क्या थे बच्चों, तारादत्त गैरोला एक कवि थे, ऑप्शन सी इसका राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित भारोत्तोलक में से कौन सांसद थे, निम्न भारोत्तोलकों में कौन सांसद थे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है इसके हंसा मनराल, केसी सिंह बाबा, फैयाज अहमद, जगजीत सिंह। तो बच्चों कौन सांसद रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है, केसी सिंह बाबा जो थे सांसद रहे थे जो भारोत्तोलक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत खान ने एलिचपुर ब्रिगेड नाम से एक ब्रिगेड गठित किया था, सत्रह सौ अठासी में। तो कब किया गया था बच्चों, ऑप्शन डी 1988 में। तो कब किया गया था, 1988 में एक ब्रिगेड की स्थापना की थी। तो बच्चों इस सीरीज के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक रिवीजन टेस्ट देंगे, उस रिवीजन टेस्ट का आपको जवाब कमेंट के माध्यम से देना होता है। रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चन है हमारे, सुमित्रानंदन पंत को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो होते हैं ये इसी वीडियो से होते हैं, कहीं बाहर से नहीं होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।